नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को 14 अप्रैल 2020 से सूर्य ग्रह का मेष राशि में परिवर्तन आप लोगों की राशियों में कैसा फल देगा इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। मेष राशि में ही क्यों, मेष राशि में सूर्य भगवान उच्च के माने जाते हैं और यहाँ पर से जो गर्मी होती है वह भी अपने उच्चता की ओर होती है, शिखर की ओर होती है। और यह एक ऐसा समय होता है जहाँ पर पेड़ों में नई कलियाएं खिलती है, हर जगह पे एक नया सुनहरा मौसम हर चीज देखने पे आता है। किंतु इस समय पे एक स्थिति और भी बन रही है, जब सूर्य ग्रह उच्च के हो रहे हैं तो वासुकी नामक काल सर्प दोष का भी निर्माण हो रहा है। वासुकी नामक काल सर्प दोष के बारे में जो लोग जानते हैं उन लोगों को तो पता ही है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कह देता हूं कि वासुकी यानी कि कई फन वाले जो कि हवा में ही अपने विष से वार करते हैं। तो इस समय पे 12 राशियों के स्वामी वासुकी नामक काल सर्प दोष के भीतर पड़े हुए हैं। यह स्थिति लगभग 15 जुलाई तक रहेगी। भले ही काल सर्प दोष दूसरे आएंगे, शंक आएगा, पद्म आएगा, वो अलग काल सर्प दोष है, किंतु इस समय पे 14 अप्रैल से 14 मई तक जब भगवान सूर्य उच्च के रहेंगे तो थोड़ा सतर्कता भी अपने को बरतनी है। किंतु इस अवधि में वह किन राशियों को क्या फल देंगे और किन राशियों को सतर्क रहना है जहां पर थोड़ा उन्हें कष्ट आदि प्राप्त हो सकता है, यह हम आपको बताते हैं। सूर्य ग्रह सबसे पहले मेष राशि में तो वह उच्च के हैं, तो मान लीजिए मेष राशि पहली राशि हो गई। सिंह राशि उनकी अपनी स्वराशि होती है और मेष में जाते ही त्रिकोण राशि धनु यानी कि मेष सिंह धनु पे वह अपना बहुत अच्छा फल देंगे। इन राशि वालों के जीवन में कुछ न कुछ शुभ परिवर्तन अवश्य ही आएगा, कुछ न कुछ शुभता इनके जीवन में बढ़ेगी यानी कि प्रगति की ओर ये लोग बढ़ेंगे, इनके लिए बहुत अच्छा समय यह कहा जाएगा। इसके अलावा कर्क राशि, मकर राशि और कुंभ राशि के लिए भी यह समय काफी शुभ है, अपने कार्यों को वो एक गति दे सकते हैं और किसी न किसी प्रकार का लाभ इनको जरूर देखने में आएगा। भूमि लाभ हो सकता है या उससे संबंधित समस्याओं का समाधान हो सकता है, व्यापार वृद्धि हो सकती है, तो अच्छा समय इनके लिए भी कहा जाएगा। वृषभ राशि, मिथुन राशि और तुला राशि इनके लिए सामान्य समय है। इन लोगों को जो चल रहा है उसी पे चलना चाहिए, रिस्क आदि जोखिम आदि नहीं लेनी चाहिए, यानी कि कुल मिला के सामान्य समय है, प्रभु भजन करना चाहिए। अंत में आप लोगों को उपाय भी हम बताएंगे। अब जिन राशियों को थोड़ा सा भगवान सूर्य कष्ट दे सकते हैं, जिन्हें सचेत रहना है और भगवान सूर्य की आराधना करनी है, वह राशियां हैं कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। इन तीन राशि वालों को भले ही इनके स्वामियों के साथ भगवान सूर्य बुधादित्य योग और मित्र भी उनके वो रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे युतियां भी इनकी रहती हैं, किंतु इस समय पे इन राशि वालों को थोड़ा सा वह कष्ट दे सकते हैं, इनके जो बने बने कार्य हैं उनको बिगाड़ सकते हैं, उनकी गति को, उनकी लय ताल बिगाड़ सकते हैं, सचेत रहना है। अब सब राशि वाले मेष से लेके मीन राशि के बीच में समस्त 12 राशि वाले इस अवधि में भगवान सूर्य को अपने अनुकूल करने के लिए, जिनके लिए शुभ है उनको तो फल देना ही है, यदि आराधना करें तो बढ़ेगा ही, और जिनको परेशानी वो दे सकते हैं वह करें तो उनके कष्टों का समन होगा। तो भगवान सूर्य को प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व जल देना चाहिए, शुद्ध जल देना चाहिए, तांबे के लोटे से देना चाहिए। और जिनके माता पिता नहीं हैं, कुछ ऐसे लोग जो होते हैं, तो वो लोग आधा जल दाहिनी ओर मुख करके दक्षिण दिशा की ओर भी थोड़ा सा जल देना चाहिए। वैसे तो जल पूर्व दिशा की ओर ही देंगे। सूर्य को जल कैसे देना चाहिए और उसकी विधि हमारे पास पूर्व में हमने एक वीडियो में आप लोगों के लिए प्रसारित किया, देख लीजिए, ऐसी विधि आपको कहीं नहीं मिलेगी, शास्त्र सम्मत विधि होगी। तो इस तरीके से भगवान सूर्य को आप जल देकर और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र का भी जाप करके आप सूर्य भगवान से संबंधित जो भी परेशानियों का समन कर सकते हैं और उच्च फल में वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो यह 13 अप्रैल से लेके एक महीने का जो सूर्य ग्रह का मेष राशि में जाने के पश्चात 12 राशियों को प्राप्त होने वाला फल था, उसके बारे में हम आप लोगों के लिए छोटी सी जानकारी लेके आए। यदि जानकारी आप लोगों को पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। संक्षिप्त रहती है तो समझ लीजिए, जो शुभ है तो आप उसमें शुभ ही है, जहां पर को कम बताया गया तो वहां पर सचेत रहना है। आप बुद्धिमान लोग हैं तो जो नए लोग हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसी जानकारी के वीडियो आप लगातार देख सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे उपायों के वीडियो हैं, तो आप
बेल आइकन भी अवश्य ही दबाइए। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के वीडियो के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।